नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गरीब नवाज के छठी मुबारक पर फातेहा खानी का हुआ आयोजन। प्रत्येक माह इस्लामिक कैलेंडर के 6 तारीख को अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर छठी शरीफ मनेस मनाया जाता है, जिसमें विशेष नयाज फातेहा खानी का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसकी याद को ताजा करने के लिए जिला मुख्यालय के नामू टोला मरवाड़ी पट्टी स्थित ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन भवन में गत शनिवार की देर शाम मिलादुन नबी और फातिहा खानी का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का आगाज हाफिज हलीम अशरफी ने कुरान पाठ से किया। मौजूद ख्वाजा के दीवानों को खिताब करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जिंदगी पर रोशनी डाली। बताया गया कि मुल्क हिंदुस्तान में ख्वाजा ने इस्लाम का परचम बुलंद किया। उन्होंने कहा कि उनके किरदार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनावें। ख्वाजा वालियों के वाली हैं, उनके दरबार में कोई सवाली खाली नहीं गया। उनके दरबार में अमीर गरीब के साथ वक्त के बादशाहों ने हाजिरी दी है। अशरफी ने लोगों से अपील की अपनी जिंदगी कुरान व हदीस की रोशनी में गुजरे। अल्लाह ने जिन बातों से मना किया है उससे दूर रहें, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, बेशक नमाज हर बुराई से रोकती है। कार्यक्रम के अंत में हजूर की शान में सलातो सलाम पेश किया और फातेहा खानी को अंजाम दिया। मौके पर मिराज जहीर, हासिम समीर, फिरोज असलम अनवर फाउंडेशन के संयोजक सरफराज समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। अजमेर के सरजमीन पर जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके याद को हम लोग ताज़ा करते हैं और उनके नाम को हम लोग उजागर करते हैं, इसीलिए हम लोग छठी शरीफ मनाते हैं। आज ही के दिन क्यों मनाते हैं? जी, आज ही के दिन गरीब नवाज के छठी शरीफ वहां भी अजमेर में मनाया जाता है और लंगर भी बंटते हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए पाकुड़ से राजकुमार भगत की रिपोर्ट।